जैन जय भर। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत, में हूँ आपका दोस्त सफर शुक्ला। गुरु रामदास की बसाई नगरी श्री अमृतसर साहब खान पान में सबसे आगे है, पूरे देश दुनिया में उसका नाम है। तो हम एक ऐसी दुकान पे आपको लेकर आए हैं जहाँ पे आपको पाकिस्तान की भी टच मिलेगा खान पान में और बातचीत में भी। तो हम आपको बता दें कि ये जो दुकान है ये खजान स्वीट्स है और पुतली घर शिमला मार्केट के बिल्कुल बगल में है और काफ़ी पुरानी दुकान है। 1960 में ये खोली गई थी, तो आप समझ सकते हैं 60 साल पुरानी दुकान है। और यहाँ के लड्डू बड़े मशहूर हैं, तो लड्डू की कहानी सुनाएंगे और हम पंजाब सरकार की भी बात करेंगे। और हम बात करेंगे वार्ड नंबर दो के यहाँ के पार्षद भी रह चुके हैं। आप देख सकते हैं तमाम वैरायटियाँ हैं, जैसे काजू मिल्क और जम्मू भी नाम रखा है, बर्फ़ी, पिस्ता मलाई, पिस्ता मिल्क। तो कुल मिला के हम आपको बता दें कि ये मिठाइयों का ये भंडार है। और हम खजान स्वीट्स पहुँचे हैं पुतली घर, और ये ऐसी दुकान है जहाँ यहाँ के जो मालिक हैं वो यहाँ के काउंसलर भी रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पुरानी दुकान है, पाकिस्तान टच मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ के जो समोसे हैं बड़े फेमस हैं। आप देख सकते हैं बहनें बेटियाँ यहाँ पर आती हैं और समोसे यहाँ के ना खाएँ और पुतली घर आ जाएँ, फिर तो फिर बात ही कुछ ऐसी है। पुतली घर आके समोसे ना खाएँ, ये बहन जी सही बात है, पुतली घर आएँ समोसे ना खाएं। और बेटे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बेटा, हाँ जी मैं, हाँ जी तो सर। यही आते हैं आप समोसे खाने के लिए? हाँ जी तो सर। समोसे देख सकते हैं और समोसे के साथ चटनी और ये छोले। तो मैं समझता हूँ कि इस इलाके में सबसे ज्यादा जो समोसे मशहूर हैं यहीं के हैं, और भी चीज़ें मशहूर हैं। तो हम सीधे बात करते हैं, वैसे नाम है राजकुमार जोली और यहाँ के खजान स्वीट्स। आपके पिताजी बहुत बड़े पहलवान थे, पाकिस्तान से आपका है, और जो आपकी तहजीब है और जो आपका खाने का और बनाने का स्टाइल है कहीं ना कहीं पाकिस्तान टच है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ऐसा भी हम 1947 में मेरे फादर साहब बोलते हैं भी हम पाकिस्तान से उजड़कर, जब झगड़ा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ है, तब वो इधर आए थे। इधर आकर उन्होंने मजदूरी भी की है 30 रुपये महीने पे, और अपने बलबूते पर मेरे फादर साहब ने बहुत मेहनत की है। तो 1961 में उन्होंने ये शॉप खोल लिया और तब इसका नाम था अशोका स्वीट्स। लेकिन उसके बाद मेरा जो बेटा है मुड़ के, मैं तो चला गया, मतलब पार्षद बन गया, तो मैंने दुकान छोड़ दी। मेरे बेटे ने फिर अपने दादाजी का नाम के नाम से इसका नाम चेंज किया, इसका नाम रख लिया खजान स्वीट्स, क्योंकि उसका बहुत प्यार था अपने दादाजी से। खैर मेरा तो बेटा ही है ना, तो उसने बोलता भी मैंने ये शॉप जो बंद नहीं करनी, मैंने यही काम करना है। मैं वैसे मेरा रिजॉर्ट है आराम रिजॉर्ट, तो बेटे ने सिर्फ अपना वो कारोबार चालू रखने के लिए भी हमने अपना नाम जो है स्वीट से ही सब कुछ बनाया है, तो स्वीट्स की दुकान ही मैंने करनी है। बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि बाप के नाम के बजाय बाप के नाम के उन्होंने दुकान खोली। और इनके बेटे ने जब ये पार्षद बन के वार्ड नंबर 2 से और पार्षद बन के जब ये अपने इलाके की अगुवाई कर रहे थे सियासत में, तब ये दुकान उनके बेटे ने संभाली और नाम बदल दिया, अशोका स्वीट्स से हो गया ये खजान स्वीट्स। मैं खजान जो पहलवान थे वो बहुत ही नामी गिरामी पहलवान थे और 3000 दंड बैठक किया करते थे। क्या यादें हैं पिताजी के साथ जुड़ी? देखो जी, मेरे पिताजी का मेरे साथ ही बहुत ज़्यादा प्रेम था, तो वैसे उन वो व्यापार भी करते थे गायों का, जो गायों से उनका बहुत प्रेम था। उन्होंने अपनी सारी उम्र जो है मिठाई कम और गायों में ज़्यादा गुजारी है। मैं फिर ऐसा है 75 से मैं शॉप पे बैठ रहा था, तो 75 से लेके 2002 तक मैं शॉप पे मैं बैठता रहा, अपने हाथ से ही काम किया सारा, जितना भी इधर मिठाई बनती है मैंने अपने हाथ से। अच्छा, ये बताइए पाकिस्तान से टच मिठाई कौन कौन सी आपने तैयार की, ईजाद की है, जो भारत में पाकिस्तान की टच मिठाई आप बनाते हैं? देखो जी, पाकिस्तान से जो जलेबी है, जलेबी पाकिस्तान में बनती है, इंडिया में भी बनती है। समोसे पाकिस्तान में बनते हैं, इंडिया में बनते हैं, और ख़ास करके हमारा जो पतीसा है बहुत अच्छा बनाते हैं पतीसा। बर्फ़ी हमारी बहुत अच्छी है, रसगुल्ले हैं हमारे, सपंची रसगुल्ले और रसमलाई है जो हमारी बहुत फेमस है, बहुत सेल है, काफ़ी ग्राहक खुश होकर यहाँ से जाते हैं। मुँह में पानी आ जाए, इतनी चीज़ें हम सुनेंगे। अब हम लड्डू की बात कर लेते हैं। सरकार को भी आपके लड्डू बड़े पसंद हैं, हर बार आपसे ही मंगाती है 15 अगस्त हो या 26 जनवरी। बिल्कुल बिल्कुल सर, सरकार ऐसा है जो 15 अगस्त है 26 जनवरी है वो हमारे से जाते हैं, 5 क्विंटल जाएँ 10 क्विंटल जाएँ,
हमारी शॉप से ही जाते हैं। पर बड़ी खबर लाए भारत के पास है कि जो लड्डू सरकार लेती थी अभी तक भुगतान नहीं किया है, और भुगतान कितने सालों से नहीं हुआ सर? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार टोटल भुगतान करती है। आरटीआई से जानकारी मिली मेरे पास, आरटीआई से जानकारी है। आप देखिए, आप सरकार के नुमाइंदे हैं, पार्षद है, वार्ड नंबर 2 के पार्षद रह चुके हैं, आप सियासत मत कर रहे शब्दों से। मेरे पास प्रूफ है कि आपको लड्डू के पैसे नहीं मिले, आरटीआई से दस्तावेज है सर। सारा मतलब ठीक है, आरटीआई से मिला है, लेकिन ऐसा है सरकार के पैसे डूबते नहीं है। नहीं, ये बात अलग है, डूबते नहीं है, डूबता है, मैंने कहा नहीं। पैसे कब से नहीं मिले? नहीं नहीं, पैसे तो मिल रहे हैं, ऐसे है, 1-2 साल के रहते होंगे मेरे बेटे साल के रहते हैं। तो ये मशहूर मिठाई की दुकान है खजान पहलवान की। तो कुल मिला के हमने बातचीत की राजकुमार जोली, वार्ड नंबर 2 के यहाँ के पार्षद रह चुके हैं, सबसे बड़ी बात सच बोलते हैं, और सच कहीं कहीं हम मुस्कुराते हुए झूठ बोलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सच निकल ही आता है। तो कुल मिला के लाइव भारत पर यदि स्पेशल पेश करें ऐसे लड्डू, ऐसे जलेबी, और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान से टच, इनके बेटे जी भी आ गए, इनसे भी हम बात करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी मिठाई की दुकान है जहाँ पे आपको पाकिस्तान स्वाद मिलेगा, और खासकर गुजरांवाला का, कहाँ का? रावलपिंडी, ऐसा जिला सियालकोट है, सियालकोट पिंड 17 है, जहाँ के हम पीछे के मतलब वसनीक हैं। आज ही हमारी हवेली वहाँ पे मौजूद है। दावा कर दो, बिल्कुल पाकिस्तान पे दावा कर दो कि हवेली हमारी जब वापस करो पाकिस्तान। ऐसा है सर, पाकिस्तान तो वैसे ही भूखा देश है, क्या है उसमें, अच्छा हो गया ये हिंदुस्तान बन गया, हमारा जो हिंदुस्तान है किसी से कम नहीं है। बहुत बड़ी बात की है, ये वो शख्स है जो 1947 में उजड़े और पाकिस्तान से यहाँ आकर यहाँ पर इनका परिवार यहाँ पे आता है, और 1961 में ये दुकान खोली जाती है, उसके बाद में अब ये तीसरी बड़ी दुकान चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बाप के नाम, जो बाप ने दिया था दुकान का, वो नाम बदल के दादाजी का नाम रख दिया, उस पहलवान का नाम रख दिया जो दारा सिंह के ज़माने में वो पहलवान थे। क्या? बिल्कुल जी, हमारे बुजुर्गों ने बताया, हमारे पिताजी ने बताया, हमारे ग्रैंडफादर ने हमें बताया था कि हमारा जो पुश्तैनी घर था वो पहले वहाँ से हैं, तो वहाँ से हमारे ग्रैंडफादर वहाँ से उजड़ के आए हुए हैं। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक चाय की दुकान खोली थी छोटी सी, उसको मेरे ग्रैंडफादर लेके गए आगे, मेरे फादर ने उसको इम्प्रूव किया आगे, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको और डेवलप करें, बस ये। बहुत बड़ी बात है। वैसे माशाल्लाह शक्ल से आप भी तो पहलवान लगते हैं, पहलवानी करते हैं क्या? नहीं जी, मैं पहलवानी नहीं करता। पहलवानी, अच्छा ये बताइए, एक कहावत है बड़ी मशहूर कि कोई भी जो हलवाई है अपनी मिठाई नहीं खाता, आप दिवाली में मिठाई अपनी खाते हैं, किसकी खाते जी? हम तो बहुत खुश होकर खाते हैं मिठाई जी। तो सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि जो हलवाई है वो अपनी मिठाई नहीं खाता, ये गलत बात हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक ऐसी दुकान जो चाय की दुकान खोला जाता है 1961 में, उसके बाद में आज यहाँ के जो खाने हैं, समोसे हैं, या यहाँ की जो मिठाइयाँ हैं वो देश दुनिया में मशहूर है। खजान पहलवान की दुकान मशहूर है, और हमने बातचीत की राजकुमार जोली जो एक्स यहाँ के पार्षद भी रहे वार्ड नंबर 2 के, साफ तरीके से हमने आपको बताया, साफ सफाई के साथ, किस साफ गोई के साथ यहाँ पे परोसा जाता है व्यंजन, जिस तरह बनाया जाता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की स्टाइल में, और पाकिस्तान की कहीं ना कहीं खुशबू भी यहाँ पे नज़र आती है उस व्यंजनों की जो पाकिस्तान के मशहूर है, क्योंकि इनके जो दादाजी थे वो उन्होंने दुकान की थी, और कहीं ना कहीं दादाजी से उन्होंने विधा पाई, और आज विधि का विधान है कि आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में, या जो भी लोग यहाँ पे एक बार चख लेता दोबारा यहाँ पे आता है। फिलहाल बात करते हैं लड्डू की, तो लड्डू मशहूर है, लड्डू इतने मशहूर है सरकार भी इनके लड्डू 15 अगस्त 26 जनवरी को खाती है, लेकिन पैसों में थोड़ी देर हो ही जाती है, 1-2 साल लग ही जाते हैं। फिलहाल ये थी बड़ी खबर, आरटीआई में प्रधानमंत्री तक पहुंच चुकी है लड्डू मामले, लड्डू बांटने और पैसे ना देने का ये मामला, और एडवोकेट पीसी शर्मा ने यह मामला आरटीआई में डाला था। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की, आप देख रहे हैं लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत, जय हिंद जय भारत। सत श्रीकाल जी सारिआं नूं, मैं हाँ JP सिंह कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी तो। COVID-19 की महामारी तो बाद UK, USA, कैनेडा, आस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा के निजमों में आया है वड्डा बदलाव। जेकर तुसी भी इन्हां कंट्रियां दे विच स्टडी वीज़ा अप्लाई करन बारे सोच रहे हो तो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी की एक्सपर्ट टीम तो सलाह लेना ना भुलना, क्योंकि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी कोल है पिछले 13 साल का वड्डा तजर्बा, जिन्हां दी मदद दे नाल हज़ारां ही पंजाब दे नौजवान विदेश दे विच अपना चंगा भविख बना चुके ने। जेकर तुसी भी विदेश पढ़ाई वीजे ते जाना चाहुंदे हो तो स्क्रीन ते डिस्प्ले हो रहे नंबर ते कॉल करके तुसी मैनू अमृतसर ते जलंधर ऑफिस दे विच मिल सकदे हो, और असी करांगे तुहाडा विदेश दे विच पढ़ाई करन दे सपने नू साकार। धन्यवाद।